फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल DNDI में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ओकाजाकी एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट क्या होता है या एक्सपेरिमेंट क्या होता है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए ये आपका DNA रेप्लिकेशन के अंदर ही आता है। जो आपका DNA कॉपी बनाता है अपनी, उसी के अंदर ही आता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में DNA रेप्लिकेशन के बारे में बताया था। DNA रेप्लिकेशन के बारे में मैंने आपको बता चुका है। अगर उस वीडियो लेक्चर को आपने नहीं देखा है तो ये आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसी थ्रू आपको पता चलेगा कि ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या होता है। ठीक है, देखिए DNA रेप्लिकेशन जब आपने आपको पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था कि जो DNA का रेप्लिकेशन होता है तो उस कंडीशन में दो तरह की DNA बनते हैं। जाहिर सी बात है, अगर कोई DNA है वो रेप्लिकेट हो रहा है तो दो तरह के DNA बनाएगा। जाहिर सी बात है ना, दो तरह के DNA बनाएगा। अब यही दो जो दो तरह के DNA बनते होते हैं, एक को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस स्ट्रैंड वाले DNA, और दूसरे को हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड वाले DNA। ठीक है, एक को कंटिन्यूअस, एक को डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। जो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड वाले DNA होते हैं फ्रेंड्स, जो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड वाले DNA होते हैं, वो DNA पॉलीमरेज एंजाइम के थ्रू बाइंड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो डिसकंटिन्यूअस होते हैं उसमें भी DNA पॉलीमरेज एंजाइम लगता है, उसमें भी DNA पॉलीमरेज एंजाइम यूज होता है, DNA पॉलीमरेज एंजाइम यूज होता है, लेकिन ये इस एंजाइम के थ्रू नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, ये क्योंकि ये DNA पॉलीमरेज एंजाइम जो है कहाँ जोड़ते हैं DNA को, 5' प्राइम से 3' प्राइमर तक जोड़ते हैं, यानी 5' प्राइमर से 3' प्राइमर तक जोड़ते हैं। लेकिन ये वाले तो अच्छे से जोड़ लेते थे, इसलिए ये वाले डायरेक्ट जोड़ लेते थे, इसलिए हम बोल दिए कंटिन्यूअस। ये वाले डायरेक्ट नहीं जोड़ पाते थे, इसलिए हम बोल दिए डिसकंटिन्यूअस। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ अभी। ठीक है, लेकिन जो डिसकंटिन्यूअस होते हैं DNA पॉलीमरेज एंजाइम, जब इनको जोड़ने लगातार बीच में अटक जाता था, DNA पॉलीमरेज एंजाइम बीच में अटक जाता था, इसलिए हम क्या बोल दिए डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि पूरा कंटिन्यू नहीं चल रहा। यहाँ पे DNA डायरेक्ट कंटिन्यू बन रहा था, यहाँ कंटिन्यू नहीं बनता, इसलिए हम क्या बोल दिया डिसकंटिन्यूअस। तो इनको जोड़ता कौन था, इनको जोड़ने के लिए आप एक विशेष प्रकार के एंजाइम बीच में लगाते थे, जिसे हम बोलते थे DNA लाइगेज एंजाइम। इस एंजाइम के थ्रू ये सारे DNA आपस में जुड़ जाते थे। ठीक है, तो अब आइए मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको बताऊँ, आपको मैं बता दूँ कुछ जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कि ओकाजाकी, उन्हीं के नाम पर ये साइंटिस्ट इस प्रयोग का नाम ओकाजाकी पड़ा है। ठीक है, ओकाजाकी का शुद्ध मीनिंग होता है जो RNA प्राइमर होता है ना, RNA प्राइमर बना है, ये RNA प्राइमर जब अलग अलग होते हैं इसी चीज़ को हम ओकाजाकी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, ओकाजाकी बोल देते हैं। ओकाजाकी फ्रेगमेंट RNA के छोटे छोटे खंड, RNA प्राइमर के छोटे छोटे खंड। ये गोल वाला तो DNA लाइगेज एंजाइम है, ये जो आपको दिख रहा है ये रहा, ये छुपा है, ये यहाँ पे ये है आपका ओकाजाकी फ्रेगमेंट, यानी RNA प्राइमर के छोटे छोटे खंड। कैसे, इधर देखिए, इस डायग्राम्स के बेस पे आप अच्छे से समझ जाएंगे कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या होता है। ये मान लीजिए आपका DNA है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका DNA है, एक ये रहा आपका DNA। ठीक है, वाई शेप DNA हो गया, मैंने एक लाइनर क्रम में बना दिया है। ठीक है, अब ये DNA में आपको पता होना चाहिए एक सिरा जो होता है उसे आप बोलते हैं 5' टू 3' प्राइमर, और दूसरा जो होता है 5 के सामने 3' और 3 के सामने 5'। इतना आपको पता है फ्रेंड्स बहुत अच्छी तरह से। बस जो आपको DNA रेप्लिकेट करना है इसी के अंदर करना है, इसके अंदर। ठीक है, अब जो क्या होगा, अब यहाँ पे आप एक प्राइमर लेंगे इसको बनाने के लिए। इस दो एंजाइम बहुत ज़रूरी होते हैं, मैंने आपको 7th और 8th स्टेप में बताया था कि दो एंजाइम के थ्रू ही ये बन जाते हैं, पूरा DNA एक नया DNA क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो दो एंजाइम कौन कौन से हैं, पहला तो RNA प्राइमर जो होता है ये क्या काम करता है, ये DNA को कहाँ से जोड़ता है, ये नए DNA जो स्ट्रैंड बनाता है 3' से 5' की तरफ। ठीक है, और जो आपका ये DNA पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है, ये जो RNA प्राइमर को जोड़ता है, ये जोड़ता है 5' से 3' प्राइमर की तरफ जोड़ता है। इतना आपको पता होना चाहिए। और एक चीज़ और जो आपको अच्छे से ध्यान देनी है,
जो आरएनए पॉलीमर, जो आरएनए प्राइमर एंजाइम है, आरएनए प्राइमर एंजाइम जो है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड पे डिपेंडेड होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड पर डिपेंडेड होता है। और जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, ये न्यू डीएनए पर डिपेंडेड होता है, न्यू डीएनए पर। ये क्या चीज़ है, ये क्या हो रहा है, टेम्पलेट स्ट्रैंड न्यू स्ट्रैंड, मैं आपको बताता हूँ। टेम्पलेट स्ट्रैंड का मतलब वो वाला डीएनए जिसकी आप फोटोकॉपी बनाने वाले हैं, इसी डीएनए का हम फोटोकॉपी बना रहे हैं, यानी इसी से एक नया डीएनए आएगा, तो इससे पुराना वाला डीएनए जिससे हम फोटोकॉपी बना रहे हैं, इसी को हम बोलेंगे टेम्पलेट, ठीक है, टेम्पलेट हम बोल देंगे। अब जो नया डीएनए आएगा उसे हम क्या बोल देंगे, न्यू डीएनए। क्या होगा, न्यू डीएनए, यानी आरएनए प्राइमर एंजाइम जो है इस टेम्पलेट पे बेस्ड होता है, और जो न्यू डीएनए बन रहा है उस वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम पे बेस्ड होता है। कैसे, अभी थोड़ा देर में आपको पता चल जाएगा। देखिए, आरएनए प्राइमर जो प्राइमरेज एंजाइम है वो कहाँ जुड़ता है, वो थ्री डैश प्राइमर से 5' प्राइमर दिशा की ओर, डायरेक्शन की ओर जुड़ता है, यानी 3' ये हो गया, 5' ये हो गया। तो यहाँ टेम्पलेट स्टैंड का क्या योगदान है, कि जो 3' और 5' हम देख रहे हैं वो टेम्पलेट स्ट्रैंड की प्राइमर है, टेम्पलेट स्टैंड की, यानी टेम्पलेट स्ट्रैंड की डायरेक्शन की ओर 3' से 5' डायरेक्शन की ओर ही प्राइमर जुड़ेगा, यानी यहाँ से प्राइमर जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे प्राइमर जुड़ना स्टार्ट हो गया, ये देखिए प्राइमर कहाँ तो जुड़ा आपका, 3' से, 3' से जुड़ने से सारा चालू हो गया। अब ये कहाँ तक जाएगा, 5' प्राइमर की तरफ तक जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको बताना चाहता था कि जो आरएनए प्राइमर एंजाइम है ये टेम्पलेट स्टैंड पे बेस्ड होता है। लेकिन अब बात जो आई, ये वाला जो है ये 3' से 5' तक जा रहा है, इतना आपको समझ में आया, 3' से 5' तक जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यानी आरएनए प्राइमर एंजाइम, आरएनए प्राइमेज जो है वो 3' से 5' की तरफ डीएनए को बनाता है, यानी 3' तो ये हो गया, 5' ये हो गया, ये इस डायरेक्शन में बनाएगा, ये आपका डायरेक्शन सीधा डायरेक्शन जाएगा, ये सीधा डायरेक्शन जाएगा, ठीक है, सीधा डायरेक्शन। अब जो एंजाइम यहाँ यूज होगा, वो कौन सा होगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, इस आरएनए पे जो प्राइमर है इसको इस वाले डीएनए से जोड़ देगा, यानी टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ जोड़ देगा। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा वो लगा देते हैं, ये हमने लगा दिया क्या, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस चीज़ को जोड़ देगा और सीधा जोड़ता चला जाएगा, बीच में कहीं रुकावट नहीं आ रही है। क्यों नहीं रुकावट नहीं आ रही, रुकावट इसलिए नहीं आ रही कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहाँ से जोड़ना शुरू करता है, 5' सिरे से, और 3' जिस सिरे तक जोड़ता है। अगर इसका उल्टा हो जाए 3' से 5' तो ये बीच बीच में रुकने लगेगा, ये ढंग से नहीं बना पाएगा। लेकिन देखिए, आपको मैंने बताया कि जो आरएनए प्राइमेज है वो टेम्पलेट स्टैंड पे बेस्ड होता है। ये टेम्पलेट स्टैंड में जब आप आरएनए प्राइमर लगाएंगे तो 3' से लगाएंगे टेम्पलेट स्टैंड के बेस पे, ठीक है। लेकिन जब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम लगाएंगे तो ये वाला आपको 3' से 5' नहीं देखना है, इस न्यू डीएनए का आपको देखना है, न्यू डीएनए का ये 3' है तो इसके सामने 5' प्राइमर होगा। अब जब ये 5' होगा तो यही जाहिर सी बात है, ये आपका क्या होगा, ये भी आपका 3' होगा ना फ्रेंड्स, ये आपका अगर 3' है ये 5' और ये 3' तो ये भी ये 5' और ये 5' तो ये 3' बस। तो आरएनए प्राइमेज एंजाइम है ये 3' से 5' की डायरेक्शन की ओर बना, ये करेक्ट है बिल्कुल। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ये 5' से 3' की ओर बढ़ेगा, यानी देखिए 5' से 3' की तरफ बढ़ रहा है, कोई रुकावट नहीं आएगी, बनाता चला जाएगा और पूरे डीएनए को जोड़ देगा। जिस तरह ये आगे बढ़ता रहेगा उस तरह सारे डीएनए क्या होते रहेंगे, आपस में जुड़ते रहेंगे और एक नया डीएनए तैयार हो जाएगा। ये तो हो गया, एक डीएनए बना, अब एक डीएनए और बाकी है हमारा, इसको बनना, इसी में रुकावट होगी, इसको आप बोल देते हैं जो लगातार डीएनए बनता रहता है, बीच में कहीं रुकावट नहीं आई, उसी के बेस पे आपने क्या बोल दिया, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, या फिर इसी को आप बोल देते हैं लीडिंग, LEADING, लीडिंग स्ट्रैंड, इसी चीज़ को आप बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। अब जो बात आई अगली चीज़, वो यहाँ पे जो आपका ओका जाके फ्रेगमेंट जहाँ से निकल रहा था वो यहाँ पे बेस्ड है। देखिए उसमें होता क्या है, आरएनए प्राइमर एंजाइम यहाँ पे भी जुड़ेगा, यहाँ पे भी आरएनए प्राइमेज एंजाइम जुड़ेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए आरएनए प्राइमेज एंजाइम टेम्पलेट बेस्ड होता है और 3' प्राइमर से 5' प्राइमर की ओर जुड़ता है। तो ये आपका 3' हो गया, ये टेम्पलेट स्टैंड है पूरा, ये 3' हो गया, ये 5' हो गया, यानी इधर से जुड़ना शुरू हो जाएगा, ये आरएनए प्राइमेज एंजाइम लगा। अब ये लेकिन ये जगह जगह रुका हटा होता है, थोड़ी थोड़ी दूर में लगता है, खंड के रूप में लगता है, छोटे छोटे खंड के रूप में लगता है, ठीक है। अब जो एक नया वो आता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आया, वो जुड़ जाता है कहाँ, जगह जगह पे जुड़ा। ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ गया, ये आपका आरएनए प्राइमर है, ये
और जगह जगह पे कौन जुड़ गया? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये देखिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जगह जगह पे जुड़ गया, ठीक है। अब इधर देखिए, ये जो 5 डैश लिखा है वो आपका टेम्पलेट स्टैंड का है, टेम्पलेट स्टैंड का है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए आरएनए प्राइमेज जो है एकदम एक सीधी डायरेक्शन में गया, यानी इस तरह गया है 3 डैश प्राइमर से 5 डैश प्राइमर की तरफ, यानी आर के अंदर कोई दिक्कत नहीं आई, आर प्राइमर के अंदर कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन फिर भी बीच बीच में खंड हो गए, बीच बीच में खंड। यहाँ पे तो एक ही डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम से काम हो गया, लेकिन यहाँ बहुत सारे काम आए। क्यों काम आए बहुत सारे, ये आपका क्वेश्चन बनेगा कि भैया यहाँ पे एक काम आए, यहाँ पे बहुत सारे क्यों काम आए। आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जो आरएनए प्राइमेज था, इसमें आप फिर से देख लीजिए, यहाँ जो आरएनए प्राइमेज था वो 3 डैश से 5 डैश गया, और जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम था वो 5 डैश से 3 डैश गया, जो बिल्कुल सही था, इसलिए कोई बीच में रुकावट नहीं आई। लेकिन यहाँ पे आरएनए प्राइमेज एंजाइम तो सही डायरेक्शन में गया, 3 से 5 की तरफ, 3 से 5 की तरफ, ये 5 हो गया तो ये 3 होगा, 3 से 5 की तरफ गया। लेकिन जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये 5 से 3 नहीं जा पाता, ये उल्टा हो जाता है। उल्टा होना का मतलब रुक रुक के जाएगा, बीच बीच में स्टॉप होकर। कैसे, ये देखिए, अगर ये 5 डैश प्राइमर है, ये 5 डैश प्राइमर है, तो इसका ये वाला जो डीएनए बनेगा वो कैसा होगा, इसके सामने जस्ट अपोजिट 3 डैश, और अगर ये 3 डैश है तो ये वाला जो छोर बनेगा, ये वाला, ये कैसा होगा, ये 5 डैश प्राइमर होगा। और जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ेंगे वो कहाँ से जुड़ते हैं, एक नेचुरल जगह से जुड़ते हैं, जहाँ से जुड़ना चाहिए उनको, एक नेचुरल जगह से, यहीं से जाकर जुड़े। और जब यहाँ से जुड़े तो ये कैसे डायरेक्शन में हो जाएगा, ये उल्टा डायरेक्शन जा रहा है, देखिए उल्टा डायरेक्शन, यहाँ से जुड़ना चाहिए था लेकिन यहाँ से जुड़ते हैं वो लोग, तो ऐसे धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, उल्टा उल्टा बढ़ता रहेगा, उल्टा उल्टा ऐसे, तो रुक रुक के पहले यहाँ पे कुछ आएगा, ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये वाला एंजाइम यहाँ तक जोड़ेगा, यहाँ रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा यहाँ पे, फिर ये वाला थोड़ी देर आगे बढ़ेगा, यहाँ सारे सभी को जोड़ देगा ऐसे करके, ये सभी को जोड़ दिया, ये वाला यहाँ तक आया, फिर ये वाला जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये थोड़ी देर आगे बढ़ेगा, ये ऐसे ऐसे आगे जाके बढ़ जाएगा, फिर यहाँ जाकर रुक जाएगा, फिर ये वाले भी जाके आगे बढ़ेगा, और यहाँ ये वाला डीएनए स्टैंड बन जाएगा। लेकिन जो ये बनता है ना, सिर्फ ये बीच बीच में जुड़े होते हैं, जहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वहाँ नहीं जुड़े होते, इसलिए ये वाला डीएनए तो आपका ऐसे दिखेगा, इस शेप में ऐसे दिखेगा ये वाला डीएनए, ठीक है, ये सिंपल नॉर्मल दिखेगा। लेकिन ये वाला जो डीएनए आपको इस तरह दिखाई देगा, ऐसे, ये इस तरह बीच बीच में कटा कटा दिखाई देगा, बीच बीच में कटा कटा दिखाई देगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के जुड़ने के बाद ये बीच बीच में कटा कटा दिखाई देगा, ठीक है। इसीलिए हम क्या बोल देते हैं, ये जो छोटे छोटे खंड जुड़ रहे हैं आरएनए प्राइमर के, छोटे छोटे खंड, इसी को हम बोल देते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, क्या बोले, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। इसी छोटे छोटे खंड के बारे में बताया था ओकाजाकी नामक साइंटिस्टों ने मिलकर और उनके सहयोगियों ने मिलकर इसी खंड के बारे में बताया था, इसलिए हम उन्हीं के नाम पे क्या बोल दिए, ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोल दिए। अब जब ये अलग अलग हैं तो आपको पता होगा जब कोई डीएनए से दो डीएनए बनता है तो दोनों डीएनए एकदम नॉर्मल होते हैं, कहीं बीच में खंड नहीं होते, यानी ये भी जुड़ेंगे। ये कैसे जुड़ेंगे, मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि यहाँ पे एक छोटा सा एंजाइम आकर जुड़ जाता है, वो डीएनए का अगर ये भाग है तो डीएनए लाइगेज नामक एंजाइम यहाँ पे आकर जुड़ जाएगा, यहाँ पर ऊपर तो फोल्डेड ही है, जॉइंट ही है, तो यहाँ पे आकर जुड़ जाएगा और इन सारी चीज़ को, इन सारे डीएनए को आपस में जोड़ देगा, और ये कुछ देर बाद इस तरह आपको दिखाई देने लगेंगे, इस तरह, ये कलर में मत जाइएगा फ्रेंड्स, इस तरह आपको दिखाई देगी, ठीक है। यानी यह हर पूरी जगह से, जहाँ है पूरी जगह से जॉइंट हो जाएंगे, किसकी मदद से, डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से, ठीक है। बस आपको ध्यान इतना देना है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स में डायग्राम बेस्ड है, जो आरएनए प्राइमेज है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड पर बेस्ड होता है, और वो 3 डैश से 5 डैश की तरफ जाता है, और डीएनए प्राइमेज पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो 5 डैश से 3 डैश की तरफ जाता है, वो न्यू डीएनए पर बेस्ड होता है। अगर ये आप कॉन्सेप्ट पकड़ लिए तो आपको ओकाजाकी फ्रेगमेंट में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है।